बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 21 करोड़ 60 लाख रुपए का 1,17,402 क्विंटल गेहूं, 21 करोड़ 13 लाख रुपए का 45,745 क्विंटल चना किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें बिचौलिया व दलालों के शोषण से बचाने के लिए बालाघाट जिले में पंजीकृत किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 29 केंद्र एवं चना की खरीदी के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 25 मार्च से गेहूं एवं चना की खरीदी है, जो 24 मई तक चलेगी। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सभी खरीदी केंद्रों पर खरीदी गए गेहूं एवं चने का तेजी से परिवहन कर गोदाम में पहुंचाने तथा किसानों को त्वरित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 1,01,522 क्विंटल गेहूं का खरीदी केंद्रों से गोदाम में परिवहन किया जा चुका है। इसी प्रकार 42,259 क्विंटल चने की खरीदी केंद्रों में गोदामों के परिवहन किया जा चुका है। सर, आप किस पर्पस से यहाँ पहुँचे? यहाँ खरीदी केंद्र की व्यवस्था देखना थी, खरीदी केंद्रों का रिकॉर्ड भी देखना था, क्योंकि खरीदी अब शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन क्या पूरा हमारा खरीदी का सिस्टम चल रहा है, क्या ऑनलाइन दस्तावेज निकल रहे हैं, क्या ऑनलाइन दस्तावेजों का फाइलिंग हो रही कि नहीं, ये सब व्यवस्था देखने के पर्पस से आज यहाँ भ्रमण किया। क्या पाया सर आपने यहाँ भ्रमण के दौरान? कुछ जगह कुछ बिंदुओं में ठीक काम है, कुछ जगह कमियाँ पाई गई हैं। लोगों को निर्देश दिया है, उनको ऑनलाइन सिस्टम से अवगत भी कराया, समझाया है, तो उसमें निश्चित रूप में दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि पूरा ऑनलाइन जितने भी दस्तावेज हैं वो सब केंद्र पर मिलेंगे और विधिवत मिलेंगे, एकदम से व्यवस्थित मिलेंगे।